दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसके नाम से कितना जमीन है आप कैसे देख सकते हैं, और साथ साथ जमीन का खाता संख्या, खेसरा संख्या किसके नाम से है कैसे पता कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको जमीन के बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूँ कि आप किस तरह से जमीन के बारे में पता लगा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप बिहार से हैं तो आपको यहाँ लिखना होगा लैंड रिकॉर्ड बिहार। दोस्तों, जैसे आप लिखेंगे लैंड रिकॉर्ड बिहार, फिर आपको नीचे आएंगे तो आपके सामने एक लिंक मिलेगा, ये वाली डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म। दोस्तों, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। आप जिस डिस्ट्रिक्ट का देखना चाहते हैं या फिर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो मैं दोस्तों खगड़िया का देखना चाहता हूं, तो मैं खगड़िया पर क्लिक कर देता हूं। दोस्तों, खगड़िया पर क्लिक करने के बाद खगड़िया के अंदर जितने भी अंचल है तो वो आ जाएगा। आपको जिस अंचल में रहते हैं, जिस अंचल का देखना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं दोस्तों अलौली का देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अलौली पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज खुलेगा। फिर आपको यहाँ पर आपको अपना अनुमंडल, यहाँ पर आपको अंचल दिख जाएगा। अगर आपको यहाँ पर आपका अनुमंडल अचल नहीं दिख रहा है तो आपको अपना अनुमंडल और अचल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। फिर आपको यहाँ पर आपका मोजा मिलेगा, यहाँ पर मोजा मतलब आपका गांव मिलेगा। आपको यहाँ पर आपको अपना गांव सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों, यहाँ से भी आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, जिस आपके गांव का पहला अक्षर क्या आता है तो उससे आप फिल्टर लगाकर भी यहाँ सर्च कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप ढूंढ भी सकते हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पर सोनिहार का देखना चाहता हूँ, तो 100 पर क्लिक किया। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर 100 से जितने भी नाम था वो यहाँ पर गांव आ गया है। तो मैं सोनिहार को देखना चाहता हूँ, तो सोनिहार पर मैं क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, सोनिहार पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह से देखना चाहते हैं, मोजा के समस्त खातों के नाम अनुसार। जैसे सोनिहार है, यहाँ पे सभी के नाम के अनुसार देखना चाहते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, सोनिहार में जितने भी जिसके नाम पे जमीन है सभी का नाम लिस्ट में आ जाएगा। तो आप इस तरह से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करके खाता खोजे पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है रेताधारी के नाम के अनुसार। यहाँ पर पिता का नाम, पति का नाम आ जाएगा, और यहाँ खाता संख्या और खेसरा संख्या। दोस्तों, खेत का डिटेल भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपके गांव में, आपके मोजा में जितने भी लोग हैं उन सभी के नाम आ जाएगा। आप जिसका भी देखना चाहते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, स्वर और व्यंजन के अनुसार यहाँ क्रमांगत लगाया गया है पेज को, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। जैसे क से देखना चाहते हैं तो आप दूसरे पेज पर क्लिक करेंगे, क के सीरियल वाइज में आपको जाना पड़ेगा। तो मैंने पेज नंबर 7 पर क्लिक किया है। दोस्तों, थोड़ा टाइम लग सकता है इस पे, थोड़ा डाटा ज़्यादा होने के कारण थोड़ा साइट स्लो चलता है इस पे। दोस्तों, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, साइट थोड़ा स्लो चलता है सर्वर डाटा बहुत सारे होने के कारण। तो दोस्तों देख सकते हैं पेज नंबर 7 पे ये सारे लिस्ट आ गया है। तो दोस्तों, यहाँ ग से स्टार्ट हो गया, तो स्वर और व्यंजन के अनुसार इस पे क्रमांगत आएगा, तो आप अपने नाम के अनुसार यहाँ पर देख लेंगे आगे पेज करके। दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, मोजा के समस्त खेसरा संख्या के अनुसार आप देख सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो खेसरा खेत नंबर के अनुसार आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर खेसरा नंबर के अनुसार सभी का लिस्ट आ चुका है। इसी तरह आप खाता संख्या, अगर आपको खाता संख्या पता है तो आप यहाँ पर मैन्युअली डालकर भी आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर खाता नंबर भी आप डालकर सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं सर्च करना चाहता हूं 450 लिखने के बाद मैं कर देता हूं सर्च।
दोस्तों यहाँ पर खाता संख्या मेंडल डालकर भी आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने करा 450, तो दोस्तों 450 से जितने भी खेसरा नंबर, खाता नंबर था, ये सभी का लिस्ट यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह आप खेसरा संख्या से भी देख सकते हैं, इसी तरह आप खाताधारी के नाम से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सभी तरह के सर्च करने का ऑप्शन दिया गया है। तो आप किसी भी तरह से आप किसी के भी किसके नाम पर कितना जमीन है, आप सभी का लिस्ट पूरी डिटेल देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप यहाँ पर हर तरह के सिस्टम दिया गया है, आप जिस तरह से देखना चाहते हैं, नाम से, खाता संख्या से, खेसरा नंबर से, समस्त गांव के नाम के अनुसार, तो आप यहां आसानी से देख सकते हैं। जैसे दोस्तों आप लिस्ट देखेंगे, अगर उसके बारे में, खेत के बारे में आप डिटेल देखना चाहते हैं, तो आप यहां देख सकते हैं। देखें पर क्लिक करेंगे तो खेत का पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों जैसे देख सकते हैं, गजेंद्र यादव नाम यहाँ आ जाएगा, रेत का यहाँ खाता नंबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ चौहद्दी आ जाएगा आपको, और यहाँ पर रकबा कितना है, ये सभी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और केवाला नंबर, यानी कि दोस्तों जमाबंदी नंबर होता है, यही केवाला नंबर होता है। दोस्तों आने वाले वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा, केवाला नंबर से आप रसीद कैसे काट सकते हैं और किस तरह से खाता खेसरा देख सकते हैं, आने वाले वीडियो में आपको बता दूंगा। दोस्तों तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है किस तरह से आप किसी के भी नाम से कितना ज़मीन है देख सकते हैं, साथ में खाता नंबर, खेसरा नंबर और कितना रकबा है, ये भी आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, और साथ के साथ इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ के साथ बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों खेत से जुड़े हुए मैं वीडियो और बनाने वाला हूँ, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिहार खेत के बारे में बहुत सी चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं दूसरे स्टेट के बारे में भी वीडियो ज़रूर बना दूंगा।